Like the video, subscribe to the channel, and also press the bell icon for latest video updates. हेलो एवरीवन, मैं विकास, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, आप सभी को इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है डाइस पार्ट टू। पिछले क्लास में हमने डाइस पार्ट वन पढ़ा था और उसके आगे हमने मैं उस दिन बोला, आप सबको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम डाइस पार्ट टू लेकर आएंगे। तो डाइस पार्ट वन, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे। जब आप डाइस पार्ट वन देखे होंगे तो डाइस पार्ट टू आसानी से इजीली क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बेस हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। इसलिए बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो पार्ट टू अपने आप ईजी रूप से क्लियर होने लगेगा। तो बच्चों, अब उस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए अभी किस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो पिछले क्लास में एक बार हम रिमाइंड कराते हैं। डाइस पार्ट वन में हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था, जब डाइस के हमारे पास एक से ज़्यादा फिगर होते थे और उसमें ओनली वन सरफेस कॉमन होता था, मतलब एक प्लेस कॉमन होता था, तो उस क्वेश्चन को कैसे निकालते थे। तो हमने उस पिछले पार्ट वन में बताया था आपको कि उसमें मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी हमारे पास एक प्लेस कॉमन होते हैं, कभी हमारे पास डबल प्लेस कॉमन होते हैं, कभी हमारे पास कोई भी प्लेस कॉमन नहीं होते हैं। ये बहुत सारे टाइप्स हमने पिछले क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था। उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए, पिछले क्लास में हमने वन किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे ओनली टू सरफेस कॉमन। जब हमारे पास में केवल दो सरफेस कॉमन होंगे तो अपोजिट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में हम आज के साथ आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए, पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन 10 तक कराया था, उसको आगे बढ़ाते हुए 11 से हम स्टार्ट करते हैं, जो आपके नेक्स्ट स्लाइड बगल स्लाइड में दिख रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन है। तो देखिए, आपके पास पूछता कि फाइंड आउट व्हिच नंबर इज अपोजिट टू 2, दो के विपरीत कौन सी संख्या है। आप देखिए, हम बगल में भी डाइस बना के आपको बताते हैं और स्लाइड पर भी दिख रहा होगा। टू सिक्स थ्री, आप देख रहे हैं स्लाइड पर भी दिख रहा होगा, और 364, ये आपका क्वेश्चन है। यह एक पासा है, इसी पासा को किसी और एंगल से देखें तो हमारे पास यह दिखाई देता है, इसी पासा का दूसरा रूप है। अब हम देखते हैं कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ओनली वन सरफेस कॉमन। अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास केवल एक ही सतह कॉमन नहीं है, हमारे पास दो दो सतह कॉमन है, दो दो सरफेस कॉमन है। आप देखिए, यहां पर दिख रहा है 236, 236, 364, 364। अब हमारे पास देखिए कि यहां पर दो दो सतह कॉमन है, तो जब हमारे पास डबल सरफेस कॉमन होंगे, दो दो सतह कॉमन होंगे, तो उसके अपोजिट नंबर कैसे याद, कैसे हम निकालेंगे, चीजों को बता रहे हैं। तो स्वयं सुनिएगा, जब हमारे डाइस में एक से ज्यादा फिगर दिया हो, एक से ज्यादा दो तीन चार सतह दिए गए होंगे डाइस का, अगर उसमें दो सरफेस कॉमन होगा, केवल दो प्लेस कॉमन होगा, तो उसका अपोजिट नंबर निकालने का आसान तरीका है। तो आपने थ्री और सिक्स देखा, और कॉमन कौन सा नंबर नहीं है, 2 और 4। तो जब हमारे पास दो सतह कॉमन होंगे, तो जो सतह कॉमन, जो नंबर कॉमन नहीं है, वह एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए, थ्री और सिक्स भी यहाँ कॉमन है, और 2 और 4 कॉमन नहीं है, तो 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 के विपरीत कौन सी संख्याएं होगी, 4 होगी हमेशा। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड आउट व्हिच नंबर इज अपोजिट टू 2, 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो हम आसानी से बोले 2 के विपरीत हमें कौन सी संख्या मिलेगी, 4। अब पूछे कि 4 का अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो 2, क्योंकि जब यह इसका अपोजिट तो इसका भी अपोजिट यही कहलाएगा। तो उम्मीद करते इस चीजों को समझ रहे होंगे हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हुआ वो पहला ऑप्शन हुआ, कौन सा आंसर हुआ, पहला ऑप्शन हुआ। तो उम्मीद करते हैं समझ गए। फिर से एक बार बता, रिमाइंड कर दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, जब डाइस में एक से ज्यादा फिगर दिए गए, दो तीन चार, आप क्या देख रहे हैं, दो सतह दिया गया है, तो अगर डाइस में ज्यादा फिगर दिया गया हो और उसमें केवल दो सतह कॉमन है, दो सतह कॉमन देख रहे हैं हमेशा, केवल दो सतह कॉमन होंगे, तो जो सतह कॉमन नहीं है, जो नंबर कॉमन नहीं है, वह एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो आपने 2 और 4 देखा, दोनों में कोई सिमिलर तो नहीं है, 2 अलग है 4 अलग है, तो जो सतह कॉमन नहीं है उसका अपोजिट जो कॉमन नहीं है अगले वाला हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट कौन सा नंबर हो गया, 4। तो उम्मीद करते हैं चीजों को समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है फाइंड आउट व्हिच नंबर इज अपोजिट टू 1,
एक के विपरीत कौन सी संख्याएं होगी। अब देखिए क्वेश्चन देखिए आपका यहां पर थोड़ा सा बदल दे रहा है, डाइस का फिगर यही है, चीजें थोड़ा नंबर चेंज हुई है हल्का सा। अब देखिए यहां पर 2, 3, 6, 3, 6, 1, 3, 6, 1। अब हमसे पूछा गया कि बताओ ए की विपरीत कौन सी संख्या होगी, ए के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब देखो यहां पर आपने देखा कि यहां भी दो दो सतह कॉमन है, 3 और 6, 3 और 6 कॉमन है कि नहीं है। तो जब हमारे पास दो सतह कॉमन होते हैं तो इससे जस्ट पिछला सवाल बताए जो सरफेस कॉमन नहीं होगा वह एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पर कॉमन कौन सा नंबर नहीं है, 1 और 2, तो 1 का अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा, 2, और 2 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 1। आप इजीली इस चीजों को समझ रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं आपसे। अब 3 और 6 कॉमन है, 3 और 6 कॉमन है, कॉमन नहीं था 1 और 2, तो 1 का अपोजिट 2 होगा, 2 का अपोजिट 1 होगा। तो क्वेश्चन में पूछा ए के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो ए के विपरीत कौन सी संख्या होगी आपके पास, आपके पास ए के विपरीत यहाँ पर 2 होगी, जो आपके पास ऑप्शन नंबर में सॉरी नहीं है, ये थोड़ा सा ऑप्शन आपके पास रॉन्ग हो गया है बच्चों, थोड़ा सा इस चीज़ों को सॉरी, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास नहीं दिख रहा है, क्योंकि ए की विपरीत संख्या निकालनी है तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। इसका आंसर याद रखिए 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 2, जो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो सॉरी इसके लिए गलती है। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पूछा गया 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो देखिए यहां पर 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, 5, 5, 4, 1, 5, 4, 1 और यहां पर है 6, 2, 3, यहां पर है 6, 2, 3। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि दो सतह कॉमन था, दो दो नंबर कॉमन था, अब यहां क्या देखते, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। देखिए 5, 4, 1, 6, 2, 3, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। और जब ऐसे क्वेश्चन हो एग्जाम में तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया 4 का अपोजिट कौन सी संख्या होगी, 4 का अपोजिट कौन सी संख्या होगी। तो अब देखिए सबसे पहले जिससे पूछा, अब तो कोई कॉमन है नहीं, तो अब 1+2+ कोई कॉमन है नहीं, तो जब भी हमारे डाइस में कोई भी सतह कॉमन नहीं होंगे, कोई भी नंबर्स कॉमन है, कोई भी प्लेस कॉमन नहीं होंगे, तो सबसे पहले तरीका है कि डाइस हमारा स्टैंडर्ड है या जनरल डाइस है, यह पता करना हमेशा। अब देखिए 4 का पूछा तो 4 का सतह यह है। अब देखिए यह सतह जो है कैसा है, यह आपके पास जनरल डाइस है, ये कि आपके पास स्टैंडर्ड आई से, देखिए तो तरीका बता चुके हैं कि स्टैंडर्ड की परिभाषा क्या थी और जनरल डाइस की परिभाषा क्या थी। तो हमने बोले थे अगल बगल किसी दो सरफेस को जोड़ने के बाद अगर नंबर एग्जैक्ट 7 कहीं पर आ जाता है तो वह डाइस आपका जनरल डाइस कहलाता है, वह पासा आपका जनरल डाइस मैंने सामान्य पासा कहलाता है। तो आप देखिए 5+4=9, 5+4+1=5, 5+1=6। तो आपने क्या देखा कि यहां पर कहीं भी 7 नहीं आया है, इसका मतलब ये जनरल डाइस नहीं होगा, सामान्य पासा नहीं होगा, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस होगा। और स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट हम कैसे निकालते हैं, तो आपको सबको पहले क्लास में बता चुके, पार्ट 1 में बता चुके कि स्टैंडर्ड डाइस की जो परिभाषा है उनके अपोजिट सतहों का योग 7 होता है। तो अगर हमसे पूछा गया कि 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो 4 में कितना प्लस करें कि वो नंबर एग्जैक्ट 7 बना देगा, तो 4 में अगर हम +3 करेंगे तो वह एग्जैक्ट 7 बना देगा। तो 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, 3 होगी, और 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 3। अब पूछा कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 3, तो हमारा आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। 13 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा बच्चों। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। फिर से एक बार हम रिमाइंड कर दे रहे हैं, जब भी डाइस में हमें एक से ज़्यादा फिगर दिया गया हो तो उसमें पहले क्या चेक करते थे, एक सरफेस कॉमन, दो सरफेस कॉमन और कोई भी सतह कॉमन नहीं, तीन सरफेस कभी कॉमन नहीं हो सकते हैं। 3 होने का मतलब सेम डाइस हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं, हमेशा वही सरफेस, तो उससे कोई मतलब नहीं। तो मैक्सिमम हमारे पास दो सरफेस कॉमन हो सकते हैं
और मिनिमम हमारे पास एक होंगे, और ऐसा भी होगा कि कोई भी छत्ता एक दूसरे में कोई कॉमन नहीं होगा। तो 5, 4, 1, 6, 2, 3 कोई भी कॉमन नहीं था। जब कोई भी कॉमन नहीं हुआ तो उसका सबसे आसान तरीका है निकालने का कि डाइस हमारा स्टैंडर्ड है या हमारा डाइस जनरल है, सामान्य पासा है या मानक पासा, या पता कर लेंगे। तो हमने देखा 4 का पूछा गया, तो 4 का सरफेस यह है। तो हमने क्या देखा, अगल बगल किन्हीं दो सरफेस को जोड़ने के बाद अगर नंबर एग्जैक्ट 7 बन जाता है तो वह डाइस जनरल बन जाता है, सामान्य पासा कहलाता है। अगर वह 7 से ज़्यादा होता है या 7 से कम होता है तो वह डाइस मानक पासा माने स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। तो इसीलिए हम देखें कि 4 का अपोजिट, तो 4 हमारे स्टैंडर्डाइज के बारे में है, तो 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा और 4 आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का 3 होगा। बच्चों उम्मीद करते हैं अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन पूछा है 5 की विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखिए हम यही फिगर, हम आपको डाइस का यही फिगर है, 5 के विपरीत कौन सी संख्याएं होगी। तो देखिए सबसे पहले पास डाइस हम देख रहे हैं कि हमारे पास डाइस दिया गया है, दो सरफेस आपको बगल स्लाइड पर भी दिख रहा होगा। अब देखिए इस डाइस पर 1, 2, 3 दिया गया है, 1, 2, 3 दिया गया है। फिर देखते हैं यहाँ पर 4, 6, 5 दिया गया है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो आपको बगल स्लाइड पर भी दिख रहा होगा, 4, 6, 5 हो गया। अब हमसे पूछे 5 के विपरीत कौन सी संख्याएं होगी, कौन सा नंबर 5 के विपरीत अंक पर दिखाई देगा और उल्टे, तो हमें कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यह डाइस से, इस डाइस में क्या कोई कॉमन सरफेस है, कोई भी कॉमन नहीं, या 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, कोई कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होता है, कोई भी सरफेस अगर कॉमन नहीं होता है तो क्या तरीका है निकालने का, उसका निकालने का एक ही तरीका है कि डाइस हमारा स्टैंडर्ड है या हमारा डाइस जनरल डाइस है, ये पता करते हैं हमेशा। तो 5 का पूछा गया तो 5 की सरफेस ये है। अब देखिए ये सरफेस कैसा है, या तो स्टैंडर्ड होगा या तो जनरल डाइस होगा, हमेशा सामान्य पासा कहलाता है। तो देखिए 5 + 4 = 9, 4 + 6 = 10, 6 + 5 = मैंने एग्जैक्ट 7 कहीं पर भी नहीं आया, मतलब यह डाइस जनरल डाइस नहीं है, सामान्य पासा नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा डाइस होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मानक पासा बोलते हैं। तो जब भी हमारा डाइस स्टैंडर्ड होता है तो उसका अपोजिट सरफेस कैसे निकालते हैं, तो 5 में कितना प्लस करे कि वह नंबर एग्जैक्ट 7 हो जाएगा। तो 5 में 2 प्लस करने के बाद एग्जैक्ट 7 होगा, तो जिसको प्लस करने के बाद एग्जैक्ट 7 होगा वही नंबर हमारा अपोजिट नंबर कहलाता है। तो 5 में 2 प्लस करने के बाद 7 होगा, तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 2 होगी, जो हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई देता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जब कोई भी सत्ता कॉमन नहीं होगा तो उसके अपोजिट नंबर हम कैसे निकालेंगे, ये चीज़ हम आपको बता दिए। कभी भी डाइस एक स्टैंडर्ड एक नॉर्मल नहीं हो सकता है, या तो दोनों हमारा स्टैंडर्ड होगा या दोनों हमारा जनरल डाइस होगा। उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जनरल डाइस को हिंदी में बोलते हैं सामान्य पासा, और स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मानक पासा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको अब ज़्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़ा होगा। उम्मीद करते हैं चीज़ों को क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं कुछ कैसा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 जो बगल स्लाइड पर भी दिख रहा होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दे दिए गए हो तो ऐसे क्वेश्चन के अपोजिट नहीं है। अब पहले हम 2 डाइस देखते थे, अब हम देखते हैं 3 डाइस, हमारे पास 3-3 सरफेस वाले आ गए हमेशा। तो देखिए 3 सतह अलग अलग दिखाई दे रहा है, आप देखिए इसके नीचे बना देते, इधर आपको स्लाइड में कट रहा होगा। अब देखिए 3 सतह वाला है जो बल साइड पर दिख रहा होगा, यहां पर देखिए 5 है, 4 है, 1 है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए यहां पर 4 है, 6 है, 3 है, दिख रहा है आपको हमेशा, 2 है, 6 है,
5 है, आपको दिख रहा हमेशा। अब से पूछा गया कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या है, 5 के विपरीत में कौन सा अंक आएगा, हमेशा यह निकालना है। आप क्या देखिए कि आपके पास एक से ज्यादा डाइस दिया गया है, 1, 2, 3 दिया गया। अब ऐसे क्वेश्चन को निकालने का सबसे आसान तरीका वही तरीका जो पहले बताए थे, इस सरफेस से इस सरफेस में कॉमन ढूंढिए, इससे इसमें या इससे इसमें या इससे इसमें, किसी से आप ढूंढ के आसानी से निकालते हैं। देखिए इस दोनों डाइस में कितने सरफेस कॉमन है हमारे पास, केवल एक ही नंबर कॉमन, एक सरफेस कॉमन है, 4 वाला सरफेस ही कॉमन है और एक नंबर कौन सा कॉमन है, 4। तो बताए थे अगर हम पार्ट 1 में कि अगर हमारे पास केवल एक सतह कॉमन होंगे तो उसका अपोजिट कैसे निकालेंगे, तो जो सतह कॉमन है उसको हम लोग सामने सामने लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सामने सामने। तो 4, 4 सामने सामने, फिर 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 3, 6, 4, 3, 6। अब जो जिसके सामने लिखा गया है वह नंबर उसका अपोजिट कहलाएगा, जो पिछले क्लास में भी शायद हम इसके बारे में आपसे डिस्कस कर चुके हैं, आप इस क्वेश्चन को हम बता ऐसे क्वेश्चन को बता चुके हैं। तो अब देखिए 5 के विपरीत कौन सी संख्या हो गई, 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए। अब हमने एक डाइस से दूसरे में देखा, क्या दूसरे से तीसरे में यही आता है, चेक करके देखते हैं हमेशा। अब देखिए 4, 3, 6, 2, 5, 6, 6, 6 कॉमन है तो 6, 6 को सामने सामने लिखेंगे, जो बता चुके पार्ट 1 में, 6, 4, 3 हो गया, 6, 2, 5 हो गया। अब देखिए जो चीजें यहां पर आई वही चीजें यहां पर भी आती है, देखिए दोनों में 1 का 6, यहां भी 1 का 6, 5 का 3, 3 का 5, 4 का 2, 4 का 2, कोई आंसर में चेंजिंग हमारे नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इससे इसमें कम पे देखते हैं हमेशा, क्या आंसर सेम आते हैं 1 से 3 में, तो यहां पर देखिए 5, 1, 4, 5, 6, 2, तो फिर यहां देखिए 5, 5 कॉमन है, तो दोनों को सामने सामने लिख लीजिए। हमने पहले और तीसरे डाइस में देखा, ये पहला था या दूसरा था या तीसरा, तो हमने फर्स्ट और थर्ड को देखा, तो 5, 5 कॉमन है, तो 5, 1, 4, 5, 6, 2, 4, 2 हो गया, 1, 6 हो गया, 5, 3 हो गया। आप देखिए कहीं पर तीनों में कहीं पर हमारे आंसर में कोई बदलाव नहीं आया है। बच्चों तो उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन करने का एक ही मेथड है जो हम पिछले क्लास पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आपको बताते चलते हैं। देखिए ध्यान से, तो 5 के विपरीत में 3, यहाँ भी देखिए फर्स्ट से सेकंड में कंपेयर किए तो देखिए 5, 3 मिला, सेकंड से थर्ड में देखिए तो 5 का 3 मिला और 1 से 3rd में देखिए तो 5 का 3 मिला, कहीं भी हमारे आंसर में कोई बदलाव नहीं आया। मेथड्स वही है, तरीका वही है निकालने का। तो हमसे पूछा 5 विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो हमारे 15 क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो ऑप्शन में 2 में 3 नंबर दिया, तो 5 विपरीत कौन सी अंक होगी, 3 होगी। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आपके मिलेंगे तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक से ज़्यादा जब भी फिगर हो, 2, 3, 4, तो यही मेथड यूज करना है। उम्मीद करते चीजों को समझ रहे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 पर देखते हैं, 15 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन को भी कुछ और एग्जांपल जो आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 16 वाला, उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ज्यादा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, मेथड तरीका यही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पहले फिगर बनाते हैं, जो बगल साइड पर भी दिख रहा होगा आपको, सिक्स टू थ्री, 1, 5, 4, 6, 5, 3, 6, 5, 3। आपसे क्वेश्चन पूछा 3 के विपरीत कौन सी संख्याएं होगी, 3 के विपरीत कौन सी संख्याएं होगी। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए आसान तरीका हमारे पास। अब देखिए इस डाइस और इसमें देखिए 6, 3, 2, 1, 4, 5, अब इसमें तो हमारे पास कॉमन है नहीं, तो देखिए सबसे आसान तरीका है, अब हम पहले से तीसरे में देखें या इससे इसमें, देखिए इस दोनों में कितने सरफेस कॉमन है, सेकेंड डाइस और थर्ड डाइस में, तो इसमें केवल एक सतह कॉमन है 5, 5, तो देखिए 5, 5 कॉमन है तो 5, 5 को सामने सामने लिख लीजिए। अगर हमारे पास केवल एक ही सतह कॉमन होते हैं तो उसका निकालने का तरीका है 5, 5 जो कॉमन है उसको सामने सामने,
फिर उस नंबर के रिस्पेक्ट में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, घड़ी चलने की दिशा को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो 5154 होगा, फिर देखिए 563 होगा, 563 होगा। अब जो जिसके सामने लिखा गया है वह नंबर उसका अपोजिट होगा, तो अगर ओनली वन सरफेस दोनों में कॉमन है तो केवल एक ही नंबर हिडन हो गए, तो 5 का अपोजिट कौन सा हो गया, 2 हो गया। तो आपसे देखिए 3 का पूछा तो 4 हो गया, अब इससे निकालिए। अब देखिए इस डाइस में देखिए 3 आपसे 36 पूछ रहा है, 36 तो आप बता सकते हैं कि देखिए 36 कॉमन है, 36 कॉमन है इस डाइस से, इसमें पहले और तीसरे में दो दो सतह कॉमन है, केवल दो दो सरफेस कॉमन है। तो बताए थे जस्ट पहले क्वेश्चन सवाल पर स्टार्ट किए थे, अगर हमारे पास डाइस में दो दो सतह कॉमन है और डाइस के ज्यादा फिगर दिए गए हैं तो जो सतह कॉमन नहीं है वह एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो देखिए 3 और 6 कॉमन है, तो यहां पर 2 और 5 कॉमन नहीं है, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 5। अब देखिए पहले और इसके द्वारा, पहले इसके द्वारा भी 2 का अपोजिट 5 दिख रहा है, तो डायरेक्ट मेथड से भी दिख रहा है, उसके द्वारा भी दिख रहा है, तो 2 का अपोजिट 5 होगा। और पूछा 3 का अपोजिट कौन सा होगा, तो 3 का अपोजिट कौन होगा, 4 होगा, जिसको द्वारा हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। बच्चों तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेंगे क्वेश्चन एग्जाम पूरा मेरा वीडियो, तो शायद ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर हम जब मिलेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, कुछ अलग ही क्वेश्चन होगा, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन होगा। तब तक इस वीडियो को देखिए पूरा अच्छे से, पार्ट 1 और पार्ट 2 को बार बार देखिए, क्लियर कीजिए सारा चीज़ें, तो पार्ट 3 पार्ट 4 में भी आपको कुछ नया चीज़ हम देंगे और कुछ नया चीज़ दिखाई देगा। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ों को समझ गए होंगे, और फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक आप सबके लिए जय हिंद, जय भारत।